पॉक्स से जो बच्चा मरता है वो थोड़ा सा बड़ा होके मरता है और वो दिखा देता है अपनी निशानी पॉक्स। मैं ना इससे कोई 30-35 साल से हम फाइट कर रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा सर, ये जो पोलियामा है ना, इससे कोई 30-35 साल से हम फाइट कर रहे हैं। वो कभी कभी मिल्क फीड नहीं कराती है और दाना फीड करा देती है छोटे बच्चे को। टॉप के ब्रीडर्स जो थे वो गेदिंग आज हमारे पास आए थे, जबरदस्त। तो मेरा मशवरा ये, सही लोगों से बर्ड बाय करें, दुकानों से, रोड पे जो मार्केट्स लगती हैं वो अपनी जगह है ठीक। जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो प्रॉब्लम्स आने की जो बेसिक रीज़न होती है जो हम। अस्सलाम वालेकुम, इसके आलम में कदम जाएंगे। मैं खैर सिंह भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ माशाल्लाह से, जिस तरीके से आप लोग यार ये जो है जगह आप लोग पहले भी मेरे चैनल पर देख चुके हैं, तो माशाल्लाह से भाई काशिफ भाई का ये पूरा सेटअप है, जिस तरीके से आप लोग को शॉप भी विजिट कराई थी, पूरा जो है केज सेटअप, बर्ड सेटअप जो है काशिफ भाई का विजिट करवाया था। तो भाई आज की जो गैदरिंग है यार बड़ी स्पेशल होने वाली है इंशाल्लाह। आप लोग बड़े बड़े ब्रीडर्स जो है आप लोग इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। काशिफ भाई की तरफ से जो यार ये बहुत ज़बरदस्त यार गैदरिंग माशाल्लाह, तमाम बड़े बड़े ब्रीडर्स जो कि आप लोग कराची से और इसके अलावा हैदराबाद से भी माशाल्लाह से सभी ब्रीडर इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेंगे। और जो है आज की वीडियो यार सिर्फ एक गैदरिंग नहीं है, एक बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है यार आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोग जिस तरीके से वीडियो में आगे देखेंगे बहुत इन्फॉर्मेटिव यार एक बैठक थी है, और इंशाल्लाह आप लोग वीडियो में देखेंगे कि यार कितनी इन्फॉर्मेटिव बातें जो है इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। खास तौर पे यार जो लोग सेटअप जो है लगाना चाह रहे हैं, जो न्यू फैंसियर है एंट्री लेना चाह रहे हैं बर्ड्स में, इसके अलावा जो पुराने फैंसियर है यार किसी ना किसी वजह से यार वो जो है दिल बर्दाश्त है, या तो बीमारियों की वजह से, या फिर जो है दूसरी वजह ये कि यार बर्ड सेल नहीं हो रहे जिनके, इसके अलावा जो न्यू फैंसियर है वो बहुत ज़्यादा यार परेशान होते हैं बर्ड्स कहाँ से लें, सेल कहाँ करें। इंशाल्लाह यार मुझे नहीं लगता यार इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को, इन्फॉर्मेटिव बातें यार ऐसी ऐसी बातें इंशाल्लाह आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो काशिफ भाई से जो है मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह बाकी ब्रीडर्स से जो है थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसा खैरियत से? तो बताएं आज की गैदरिंग रखने की वजह, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े ब्रीडर्स आपने बुलाए हुए, तो बताएं भी उसको क्या सिलसिला है? आज हमारा जो आउटलेट है एक तरह से इसका एक तरह वो भी इफ्तिताह भी था, इंट्रोडक्शन भी। तो ये सारे जो हमारे दोस्त हैं ये माशाल्लाह कराची के टॉप ब्रीडर्स थे, इनको सबको बुलाने का मकसद ये था कि लोगों को बर्ड्स के हवाले से आगाही हो, मोटिवेशन पैदा हो। तो कुछ हमने इसके ऊपर बात भी की, माशाल्लाह आरिफ रजा साहब आए थे, माजिद खान जदा साहब थे, माशाल्लाह पुराने ब्रीडर्स थे, माशाल्लाह टॉप के ब्रीडर्स जो थे वो गैदरिंग आज हमारे पास आए थे, जबरदस्त। तो ये है कि इस प्लेटफॉर्म से हम ये चाहते हैं कि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, और इसमें मेडिसिन भी हैं और हमारे फूड सप्लीमेंट्स भी हैं, इसी तरह से बर्ड्स का जो फीड है और बर्ड की जितनी एक्सेसरीज हैं उनके पॉट्स वगैरह वो सारी चीज़ें हम जो है इस प्लेटफॉर्म से जो है अपने दोस्तों को देंगे इंशाल्लाह। और क्वालिटी प्रोडक्ट पे काम करने का हमारा वो है अजम है कि लोगों को क्वालिटी की चीज़ें मिले। ठीक हो गया, तो चलें व्यूअर्स वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को एक पूरा जो है पैकेज मिलने वाला है। सबको यहाँ आने पर खुश आमदेद, माशाल्लाह आप हमारे केएस पेट केयर प्लेटफॉर्म पर आए और आपने हमारी हौसला अफजाई की। तो इस सिलसिले में हमारे माशाल्लाह सीनियर ब्रीडर हैं कराची के आरिफ रजा साहब, माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। तो हम इनसे थोड़ा सा एक सवाल करते हैं कि इस वक्त अभी कुछ मौसम की वजह से या कुछ और मसाइल से डेडिंग शेल का मसला आ रहा है, थोड़ा सा इनफर्टिलिटी का मसला आ रहा है, थोड़े से जो बच्चे हैं वो भी एक्सपायर हो रहे हैं चिक्स वगैरह लोगों के, तो लोग बहुत डिसहार्ड हैं इस वक्त। तो थोड़ा सा उनको मोटिवेट करें कि कैसे ये चीज़ बेहतरी की तरफ आ सकती है। पहले तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं तमाम दोस्तों के बिहाफ पे काशिफ भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने आज अपनी जो इन्होंने ये स्टोर ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया है, इसकी ओपनिंग में हम सब दोस्तों को याद रखा है इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में, और अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत अदा फरमाई, क्योंकि आज इंतहाई शानदार इन्होंने जो मछली फ्राई की हुई थी अपने हाथ से और प्रॉन्स फ्राई किए हुए थे, सारे साथियों ने वो इन्जॉय किया। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। तो यस काशिफ भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फेसबुक देखें या सोशल मीडिया देखें तो यही 3-4 सवाल अक्सर गर्दिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया हर साल गर्दिश कर रहे होते हैं, बट इस साल ये जो डेड इन शेल या अनफर्टिलिटी, बल्कि मैं कहूँगा डेड इन शेल का जो सवाल है ये इस दफ़ा थोड़ा सा यूनिक है, बाकी सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो पहले सालों में होते रहे। डेड इन शेल मैं ये समझता हूँ, बाकी शहरों का मुझे नहीं पता, वेदर आइडिया तो है बट क्या चल रहा है, बट कराची में अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से डेड इन शेल का जो मेन रीज़न है वो वेदर की इनस्टेबिलिटी है। अभी भी हम मिड दिसंबर में खड़े हुए हैं, दोपहर में के टाइम में स्वेटिंग हो रही होती है यानी कि पसीना आ रहा होता है हमें, मॉर्निंग और इवनिंग बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है। तो ये वेदर का इतना एक्सट्रीम लेवल के ऊपर स्विच होना ये हैचिंग में प्रॉब्लम करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि जी
टेम्परेचर इतना होना चाहिए, तो ह्यूमिडिटी लेवल इतना होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें 24 घंटे में बड़ी स्पीड से कराची में चेंज हो रही हैं। तो डेड इन शेल का मेन मेरे हिसाब से रीज़न ये बन रहा है। जो अनफर्टिलिटी वाली बात होती है, हम बर्ड्स को कभी कभी उनकी एज से पहले ब्रीड पे लगा देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो अनफर्टिलिटी आती है। हमारी फीमेल रेडी है एज में, लेकिन मेल रेडी नहीं है, मेल रेडी है तो फीमेल रेडी नहीं है। मौसम का असर अपनी जगह आता है इसमें, लेकिन हमारी बर्ड कीपिंग जिसमें हमने पिंजरा किस नौइयत का दिया हुआ है, हमारी स्टिक्स कहाँ लगी हुई हैं, हमने बॉक्स में नेस्टिंग किस तरह की दी हुई है, अक्सर इनफर्टिलिटी का एक रीज़न ये भी बन जाता है कि अंडे जो हैं वो नेस्टिंग के अंदर दब रहे होते हैं। कभी नेस्टिंग सॉफ्ट होती है, हम वही मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पेयर ने नेस्टिंग अच्छी नहीं करी हुई। तो नेस्टिंग, पिंजरा, स्टिक, बर्ड की एज, बर्ड की डाइट, बर्ड को जो सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं, ये सारे अवामिल मिल के फर्टिलिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक और जो मेन रीज़न हमेशा से रहा है, हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि क्या पेयर बॉन्ड हो गया है। हम अक्सर ना तजर्बेकारी में एक मेल और एक फीमेल, इवन वो डीएनए हुआ हुआ, हम छोड़ देते हैं, उसकी एज भी पूरी है, लेकिन मेल फीमेल एक दूसरे को रेस्पॉन्ड नहीं करते। ये ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा सवाल कि अक्सर कंप्लेन आ रही है कि बच्चे मर रहे हैं। देखिए मैं आपसे कहूँ, कोई नाराज़ ना हो इस बात पे, सबसे माफ़ी पहले अगर कोई नाराज़ हो, जितना बर्ड फिलीपींस से पाकिस्तान में पिछले सालों में आया ना, वो पॉलियामा लेकर आया, पॉक्स पाकिस्तान में पहले से मौजूद थी। इस वक्त जो बच्चे मरते हैं छोटे, वो पॉलियामा से ज़्यादा मरते हैं। पॉक्स से जो बच्चा मरता है वो थोड़ा सा बड़ा होके मरता है, और वो दिखा देता है अपनी निशानी पॉक्स के, मेरे अंदर पॉक्स है, वो नज़र आ जाती है आपको। उसकी परों के अलावा जितने एरियाज होते हैं बॉडी के, उसमें फिंगर्स हो गई, बीक हो गई, आईज हो गई, यहाँ पे आपको पॉक्स का नमूदार होना नज़र आ जाएगा, पॉलियामा नज़र नहीं आता। वो छोटे बच्चे के अंदर ही चंद रोज का होता है बच्चा, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मे बी मेरी मैं गलत हूँ, लेकिन जब मदर उसको जो मिल्क फीड कराती है, उस एज से बच्चा बाहर आता है और पॉलियामा का असर है, तो वो बच्चा मर जाएगा। इससे बचाव का तरीक़ा क्या है, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मेरा मशवरा यह है कि वैक्सीन कराएं। काशिप भाई ने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है और काफ़ी लोगों ने उसका फीडबैक भी दिया है। आप काशिप भाई इधर आए, तो काशिप भाई ने एक प्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कराई है एक प्रोडक्ट, वो नाम भी बता देंगे और काशिप भाई अपना नंबर इसमें मेंशन भी कर देंगे, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। मुझे काफ़ी लोगों ने उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया कि पहले उनके बच्चे मरते थे, चाहे किसी भी बर्ड के हों, जावा हो या लव बर्ड हो, उनके अब बच्चे जो है सर्वाइव कर रहे हैं। काशिप भाई प्रोडक्ट बता दें अपनी। अच्छा सर, ये जो पोलियामा है ना, इससे कोई 30-35 साल से हम फाइट कर रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। कॉकटेल में ये बेतहाशा आती रही, लोगों ने कॉकटेल ख़त्म कर दिए कि कॉकटेल का बच्चा मरता था। तो उस ज़माने में हम एंटीवायरल एक आती थी रिबावायरिन, बच्चों की दवाई, वो हम देते थे कॉकटेल को सिरिंज से, 1 ml वो 4 ml पानी मिला के ना सिरिंज से पोटम बताते थे, उससे कुछ फीसद बच्चे बचते थे। फिर एक फ्रांस की दवाई होम्योपैथिक आई L109 के नाम से, वो हमने ट्राई की, उससे हमने कॉकटेल के बच्चे, लपट के बच्चे पर। फिर एक ज़माने में, माशाल्लाह जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, जावा में ऐसा पोलियामा आया था कि पूरे डब्बे भर भर के बच्चों के ना पिन फैदर के हम निकालते थे। अच्छा, लोग बल्ब लगाते थे, लोग समझे सर्दी आ गई क्या आई, वो कंट्रोल ही नहीं हुआ, लोगों ने जावा पालने ही छोड़ दी कि यार इतनी इसमें बीमारी आती है। अब जो जावा के इस वक्त जो मतलब दोबारा से रिवाइव हुई है, वो इसी वजह से हुई है कि एक ज़माने एक रेट भी कम थे, ऊपर से पोलियामा इतना है। तो उस पर कई सालों से मैं काम कर रहा था, करते करते अल्लाह ने, होम्योपैथिक मेडिसन है क्योंकि वालिद वालदा दोनों होम्योपैथिक हैं, हमारा बैकग्राउंड भी है, तो थोड़े से उस पर काम किया, तो मैं काफ़ी सोचता रहा, तो अल्लाह ने ये 2-3 साल से मैंने अपने पास ट्राई की और इसमें बहुत सारे बच्चे सेव हुए। और अल्लाह ने पिछले साल मेरे पास एक क्रिमिनो का एक बच्चा था, पोलियामा आया माजिद भाई, पेट में रेड स्पॉट आ गया, उसके बाद बच्चा बचना मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, बच्चा तो बच ही नहीं सकता ना उसमें। मैंने क्या किया, ये अपनी ड्रॉप्स थे पोलियामा वाले, ये मतलब ड्रॉपर में डाल के रख दिए, और साथ में मैंने स्पार्क डाल के पानी में मिला के वो दोनों ड्रॉपर रख दिए। मैंने कहा इस बच्चे को ना 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ड्रॉप से एक एक पानी, एक एक दो दो कतरे, मैं भी पिला गया, फिर लड़के को बता दिया, वो करता रहा, माशाल्लाह वो बच्चा रिकवर हुआ। अच्छा, उसके बाद पोलियामा का साइड इफेक्ट ये होता है कि फैदर क्वालिटीज़ नहीं आती, मतलब
फ्लाइट फेदर खराब हो जाते हैं, पर खराब होते हैं, पॉलियामा का बर्ड अगर सर्वाइव करता भी है तो उसके पर सही नहीं आते, उस बच्चे के पूरे पर सही आए, डीएनए में वो फीमेल आई। फिर वो मैंने एक साहब को बेची 28,000 की, फिर मैंने उसको फॉलो भी किया कि इसकी ब्रीड कैसी आई। तो होम्योपैथिक जब किसी को क्योर करती है तो फिर वो उसके मतलब आगे साइड इफेक्ट खत्म ही होते हैं और आगे जो है ना जनरेशन में वो चीज़ ट्रैवल नहीं करती। तो फिर मुझे उसके ऊपर एतमाद आया तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अब अक्सर लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बाकी ये है कि और भी वजूहत होती हैं बच्चे के मरने की, ज़रूरी नहीं है पोलियामा हो, लेकिन पोलियामा मदर ने फीड नहीं कराई, मदर फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रही थी, उसको पता नहीं था बच्चे को कैसे फीड कराते हैं। समटाइम ये भी होता है कि वो जो मिल्क फीड कराती है ना फीमेल, वो कभी कभी मिल्क फीड नहीं कराती है और दाना फीड करा देती है छोटे बच्चे को, और वहाँ वो बच्चा दाना डाइजेस्ट नहीं करता क्योंकि वो कुदरती निज़ाम। और इसके अलावा भी माजिद भाई भी माशाल्लाह जानते हैं, जैसे हमारे पोल्ट्री के अंदर एंडी आती है ना, ऐसे हमारे बर्ड्स में भी एंडी आती है। ये जो लवबर्ड्स हो गए, कॉकटेल हो गए, इनके अंदर भी वो स्टेन अलग है एंडी की, तो एंडी भी आती है। तो मैंने जो ये दवाई बनाई है इसके अंदर मैंने एंडी की भी दवाई होम्योपैथिक के हिसाब से ऐड की है, उस वजह से जो है ना ये एंडी को भी क्योर करती है। मैंने बजरी के अंदर भी इसको ट्राई किया, माशाल्लाह बजरी के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो दोस्तों आप काशिफ भाई की प्रोडक्ट्स, इनका इस वीडियो में आपको नंबर, नेम और इनका जो चैनल है उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप इनसे रابطہ करें। बहुत एक्सपीरियंस्ड ब्रीडर हैं और प्रोडक्ट्स अपनी भी पहले बनाते रहे और अब प्रोफेशनली सारा कुछ स्टार्ट किया है। हमेशा बर्ड खरीदते वक्त मुहतात रहें, जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना वो प्रॉब्लम्स आने की जो बेसिक रीज़न होती है जो हम बर्ड बाय करते हैं ना वहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपने शुरू में सही बर्ड ले लिया, अब बर्ड बताता नहीं है कि मेरे अंदर क्या ख़राबी है और क्या अच्छाई है, ये कैसे आप सही बर्ड बाय करेंगे ये एक अलग सब्जेक्ट है। मेरा मशवरा ये सही लोगों से बर्ड बाय करें, दुकानों से, रोड पे जो मार्केट्स लगती हैं वो अपनी जगह हैं ठीक, लेकिन जब आप एक्सपेंसिव वैरायटी लेने जा रहे हैं तो किसी बेहतर जगह से, ब्रीडर से जाके जिसका, जिस पर आपको ट्रस्ट हो, जिसका फीडबैक आपके पास अच्छा हो, उससे लीजिए, आगे के मराहिल आपके आसान हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात ऐड करूंगा कि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि लोग जाके एम्प्रेस मार्केट से नर्मदा मिला तो वहाँ से भी उठा के ले आते हैं, अब वो एक बीमारी का गढ़ है, वहाँ से आपके पास बर्ड नहीं आएगा बल्कि डिजीज आ जाएगी, उसमें डिजीज आ जाएगी, और जो आपने अच्छे बर्ड्स लिए होंगे वो सब खराब हो जाएंगे, सबके सत्यानाश। तो बहुत ज़्यादा एहतियात। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई बर्ड ले भी लिया ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन तो आपके पास नीचे अलग से कोई जगह होनी चाहिए, क्वारंटाइन आप करके 20-25 दिन उस बर्ड को देखें, उसको आप स्प्रे वगैरह करके डिसइंफेक्ट करके फिर अपनी एवरेज के अंदर लेके जाएं। काश्मीर क्वारंटाइन की अक्सर बात होती है ना, मैं ये कहता हूँ आपके पास अगर एक बर्ड वायरस कैरी करके आया है ना, वो कब वायरस को एक्सपोज करेगा इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो हम 20 दिन रख लें, 40 दिन रख लें, 80 दिन रख लें, अगर वो कैरियर है साल के दौरान में किसी भी वक्त अपना जो कैरी कर रहा है ना वायरस, जो अभी साइलेंट है बॉडी के अंदर, वो एक्टिव होगा। तो क्वारंटाइन यहाँ पे मैं ये समझता हूँ क्वारंटाइन प्रोसेस फेल है। बाकी ये चीज़ें सारी जितनी हैं जो काम का हिस्सा है। आप बर्ड लें, माजिद भाई बैठे हुए हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी ब्रीडर हैं, इनसे बर्ड खरीदें आप। अभी भी देखें डील हो रही है फोन के ऊपर और हाफ प्राइस पे देते हैं ये बर्ड। बुकिंग हो रही है। सलमान भाई बैठे हुए हैं, सलमान भाई बहुत अच्छे ट्रस्टवर्दी ब्रीडर हैं, ये सलमान भाई मार्केट प्राइस पे देते हैं। फिर उवैस बैठे हैं, भाई बैठे हैं, उवैस एक बहुत अखिल भाई अच्छे ब्रीडर, अखिल भाई है, अखिल भाई हमारे ये फ्री में भी दे देते हैं। अखिल भाई आधे बैठे हुए हैं आधे खड़े में, काशिफ भाई कह रहे हैं फ्री में दे देते हैं, मेरे हिसाब से मार्केट में बेहतर प्राइस पे देते हैं, फ्री में नहीं देते। जुनेद भाई बैठे हुए, आपने अगर पैलेट 100-200 क्वांटिटी में लेने हैं जुनेद भाई से लें आप। बाकी और ब्रीडर्स पीछे खड़े हुए हैं, हैदर ने बर्ड पालना छोड़ दिए हैं तो हैदर से नहीं खरीदिएगा। चलें जी, व्यूअर्स पूछ रहे हैं और एंड हम करेंगे शराफत भाई के साथ। बाबा है ये नहीं, बाबा है बर्ड हॉबी, बर्ड हॉबी, और इनके बगैर हमारे कराची का बर्ड इवेंट चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो इनकम्प्लीट है। अल्लाह ताला इनको सेहतियाब करे। इस फोरम पे माजिद भाई आपकी इजाजत से एक बात मैं करना चाहूंगा कि जिस जमाने में हमने बर्ड्स का काम शुरू किया 35-40 साल पहले, 50 साल पहले से बर्ड का काम हो रहा है, उस वक्त हमारे बर्ड में रिंग डालने का कोई तसव्वुर नहीं था और कोई ख़ास म्यूटेशंस हमारे नहीं होती थी, लव बर्ड की और फिशर वगैरह की ब्रीड करते थे। तो अब इस लेवल पे हम चले गए हैं कि हमारे बर्ड सारे के सारे रिंग बर्ड हैं और सारी म्यूटेशन हमारे पास ब्रीड हो रही है। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये बर्ड हमारे एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, यूरोप में हमारा बर्ड जा सकता है बिल्कुल, अगर थोड़े से हम सीरियस हो जाएं, क्योंकि वहाँ वो बर्ड लेते हैं रिंग बर्ड हो, रजिस्टर्ड बर्ड हो,
तो इसकी एक्सपोर्ट यूरोप में हो सकती है। अगर हम इस लेवल पे अपने थोड़ा सा आपस में मिलके कुछ ऐसा करें कि हम बर्ड्स को यूरोप में और बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह ये जो एक हमारे ऊपर हर वक्त जो सवार रहता है ना, तलवार लटकी रहती है कि बर्ड्स के रेट गिर जाएंगे। तो अच्छा, दूसरा एक और मेरा मैसेज है सबके लिए कि जो न्यू फैंसियर होते हैं ना, ये उस चीज़ को खरीदें जिसकी मट्टी पलीत हुई हो। जैसे आज से 2018 में जावा की मट्टी पलीत थी, 350 रुपये 400 रुपये फोन जावा हम लोगों ने बेचा है कोरोना के ज़माने में। तो भाई उस वक्त आप बर्ड लेके बना लें और 5 साल 4 साल बाद साइकिल आएगा आपके, वही बर्ड महंगे बिक रहे हैं। भाई आज इशू ये है, सारे लोग माशाल्लाह इतने समझदार हैं कि न्यू फैंसियर के नाम पर मैं आता हूँ और मुझे इस वक्त का टॉप बर्ड चाहिए है और 25% प्राइस पे चाहिए, उसमें सिर्फ धोखा मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। एग्री करते हैं आप? एग्री करते हैं आप? आपने तो मुझे सिखाई है ये बात, इन्होंने तो मुझे सिखाई है। चले बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।